नॉर्मल इंग्लिश में भी अगर हम लोग बात करें तो क्यू का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हमें बस में चढ़ना है तो हमें एक क्यू लगाना पड़ता है, ठीक है। मान लो कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं तो उनको कभी कभी खाना खाने के लिए क्यू में लगना पड़ता है। फिर पहले जैसे काउंटर पे जाकर आप रेलवे की टिकट लेते थे तो उसमें भी क्यू में लगना पड़ता था। उसमें होता क्या है, जो व्यक्ति आपसे आगे आया है, लगा हुआ है क्यू में, उसको पहले टिकट मिलेगा। आप अगर रेलवे की टिकट की बात करोगे तो काउंटर पे 10 लोग खड़े हैं, तो जो लोग सबसे पहले आया था वही लाइन में सबसे आगे लगा हुआ होगा और उसी को टिकट सबसे पहले भी मिलेगी। सिमिलरली जो लोग सबसे लास्ट में आए थे वो उस लाइन के सबसे आखिरी में लगे होंगे और उनको टिकट भी सबसे आखिरी में ही मिलेगा। इसी पैटर्न को हम लोग क्यू कहते हैं, ठीक है। क्यू पैटर्न जो है उसको एक दूसरे टर्म से हम लोग क्या कह सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या शॉर्ट में उसको फीफो बोलते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आया था वही पहले जाएगा। इसको अगर हम डेटा स्ट्रक्चर के टर्म्स में बोलें तो जो एलिमेंट हमने अपने क्यू में पहले इंसर्ट किया है, सबसे पहले इंसर्ट किया है, वो एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होगा। या फिर अगर हमें कोई एलिमेंट को यूज़ करना है, एक्सेस करना है, तो जिस एलिमेंट को हमने सबसे पहले इंसर्ट किया था उसी एलिमेंट को हम सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं। एरेज़ और क्यू में डिफरेंस क्या है? एरेज़ के केस में हम किसी भी एलिमेंट को कभी भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन क्यू में जो एलिमेंट सबसे पहले आया है हम सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले। स्टैक और क्यू में डिफरेंस क्या है? स्टैक में जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया था हम उसे सबसे पहले यूज़ कर रहे थे, वो था लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें फर्स्ट में जो एलिमेंट आया है उसी को हम सबसे पहले यूज़ करेंगे। अब जैसे हम लोगों ने स्टैक देखा था तो वहाँ कुछ दो तीन टर्म्स आए थे हमारे लिए जो पर्टिकुलरली स्टैक के लिए ही यूज़ होता है। सिमिलरली क्यू में भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्यू के लिए ही यूज़ करते हैं। जैसे पहला टर्म है फ्रंट और दूसरा टर्म है रियर, ठीक है। कभी कभी इसको हेड और टेल भी बोलते हैं, फ्रंट को हेड और रियर को टेल भी बोलते हैं। फ्रंट साइड क्या होता है? फ्रंट साइड उस साइड को कहते हैं जिस साइड से हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और रियर साइड उस साइड को कहते हैं जिस साइड से हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब जैसे ही मैंने ये साइड की बात करी तो आपके मन में ये आ गया होगा कि सर स्टैक के केस में तो चाहे आप डिलीशन करो या इंसर्शन करो सिर्फ वन साइड से हम कर सकते थे, एक ही एंड होता था। क्यू में एक से ज़्यादा एंड होते हैं, दो एंड होते हैं इसमें। एक एंड से हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं और दूसरे एंड से हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं। अगर आप डायग्राम से समझने की कोशिश करो तो अगर मैं इसे एक क्यू बनाऊं, कुछ एलिमेंट को इंसर्ट करा देता हूं पहले, मान लो ये एक क्यू है, इसमें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कोई और वैल्यू है 15, 22, तो कुछ भी, ठीक है। अब देखो हम एक कह रहे हैं, एक एंड को कह रहे हैं फ्रंट, मैं शॉर्ट में उसको एफ लिखता हूँ ना, क्योंकि बार बार उसको लिख नहीं पाऊँगा मैं। और दूसरा जो है वो होता है रियर, तो उसको हम शॉर्ट में आर लिखेंगे। फ्रंट साइड का मतलब वो वाला साइड जिस साइड से हम एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया क्यू का, क्यू में डिलीशन कौन सा एलिमेंट को करते हैं हम, जो एलिमेंट सबसे पहले आया था, ठीक है। और रियर का मतलब क्या होगा? रियर वो साइड होगा जिस साइड से हम नए एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, ओके। तो नए एलिमेंट को इंसर्ट करना है, मान लो ये आपके पास एक क्यू बना है, इसमें ये 12 जो है वो सबसे पहले आया था, ठीक है। तो ये 12 सबसे पहले डिलीट होगा, इस 12 के बाद ये 10 आया तो हम इस 10 को उसके बाद डिलीट कर पाएंगे,
ये टू थर्ड नंबर पे आया था तो हम इसको थर्ड नंबर पे डिलीट करेंगे, और अभी अभी फाइव आया है, और एक नया एलिमेंट भी आप चाहो तो इसमें इंसर्ट अभी करवा सकते हो। ठीक है, तो हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये 12 जो है वो साइड कहलाएगा फ्रंट का साइड, और ये 5 जो है ये कहलाएगा रियर का साइड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट साइड से ही हम नए एलिमेंट को, फ्रंट साइड से हम उस एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, और रियर साइड से हम एलिमेंट को, नए एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये 12 सबसे पहले आया था तो डिलीट भी सबसे पहले यही होगा, तो ये वाला साइड कहलाएगा फ्रंट, और 5 जो है अभी अभी आया है तो ये कहलाएगा रियर। ठीक है, इस साइड को हम कहते हैं रियर साइड। आया समझ में? मान लो आपको एक नई वैल्यू है 6, ये 6 इसमें इंसर्ट करना है, तो वो किस साइड से इंसर्ट होगा? ये 6 जो है वो इधर इंसर्ट होगा, इंसर्शन जब भी होगा तो रियर के साइड में। तो अब रियर की वैल्यू जो है वो अब अपडेट हो जाएगी, अब रियर जो है 5 ना होते हुए अब नई रियर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अब मान लो आपको कुछ नया डिलीट करना है, कुछ एक एलिमेंट को आपको डिलीट करना है, तो डिलीशन हम जब भी करेंगे तो फ्रंट एंड से करते हैं, तो फ्रंट एंड पे अभी फ़िलहाल क्या है? 12, यानी सबसे पहले आप डिलीट करोगे भी तो ये 12 डिलीट होगा। ठीक है, इस 12 को जब आप डिलीट करोगे तो फ्रंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, फ्रंट अब हो जाएगा 11 के पास। आ रहे समझ में? आपको ये दो तीन टर्म्स जो हैं वो आपको याद रखने होंगे, पुश और पॉप और टॉप, ये तीन टर्म स्टैक के केस में यूज़ होता है। सिमिलरली क्यू के केस में आपको फ्रंट और रियर यूज़ करना है। फ्रंट साइड वो साइड है जिस साइड से हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रियर साइड वो साइड है जिस साइड से हम न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। क्यू ऑप जो होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी जो एलिमेंट सबसे पहले आया था वही एलिमेंट सबसे पहले डिलीट भी होगा। ठीक है, आ रहे समझ में? बिल्कुल अब हम लोग इसको थोड़ा और आगे डिटेल में देखते हैं। स्टैक के केस में हम लोगों ने देखा था कि हमें मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करना होता है ना? तो हम उस मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी देख सकते हैं, ये डायग्राम से भी आप देख सकते हो, ये फ्रंट साइड है यहाँ से हमने डिलीट किया है, ये रियर साइड है इस साइड से हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। ऑपरेशन एक होते हैं, जब भी हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एन क्यू, ई एन क्यू यू ई यू ई। ठीक है, और जब भी हम किसी को डिलीट करते हैं तो इसमें डिलीशन ना बोल के हम बोलते हैं डी क्यू ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है। इस डी क्यू वर्ड से कन्फ्यूज़न आपको थोड़े समय में होगा, अभी मैं बोल रहा हूँ कि डिलीशन ऑपरेशन को डी क्यू ऑपरेशन बोलते हैं, थोड़े समय के बाद मैं आपसे ये भी कहूँगा कि एक क्यू होता है जिसका नाम ही डी क्यू है। ठीक है, ये डी क्यू ऑपरेशन है, वो डी क्यू एक क्यू का नाम है, एक खास तरह का क्यू होता है जिसका नाम ही डी क्यू है। ठीक है, तो इसे कन्फ्यूज़ मत होना। जैसे इंसर्शन मतलब हम न्यू एलिमेंट को ऐड करें, ये एक ऑपरेशन है। क्यू के केस में हम इंसर्शन ऑपरेशन ना बोलते हुए बोलते हैं ये एन क्यू ऑपरेशन है। सिमिलरली डिलीशन एक ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को हम डिलीशन ना बोलते हुए डी क्यू ऑपरेशन बोल देते हैं। ठीक है, एन क्यू ऑपरेशन किधर होगा? रियर के साइड में होगा, और डी क्यू ऑपरेशन किधर होगा? फ्रंट के साइड में होगा, है ना? फ्रंट और रियर को ही कभी कभी हम लोग हेड और टेल के नाम से भी जानते हैं, वो अभी आपको दिख जाएगा थोड़े समय में। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक था उसका क्या, कि हम लोग इसको यूज़ कहाँ करते हैं, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे आपने कस्टमर केयर को फ़ोन किया तो वहाँ पे क्या मैसेज आता है, जिससे आपको बात करना, आपके जो एग्जीक्यूटिव है वो किसी और कस्टमर को के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बिजी हैं, इस तरह के मैसेज आते हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है कि आपका जो, आप एक क्यू में लगे हुए हो, जिस कस्टमर ने उस एग्जीक्यूटिव को पहले कॉल किया होगा, पहले सबसे पहले उसी को रिजॉल्व किया जाएगा उसके प्रॉब्लम को, फिर आपका नंबर आएगा, है ना? आप किसी फ्रेंड को कॉल करते हो तो आपके कॉल को वेटिंग में बोलता है कि आपका कॉल वेटिंग में, वेटिंग का मतलब अभी फ़िलहाल वो आपका दोस्त किसी और से बात कर रहा है,
उसने पहले फ़ोन किया था इसलिए वो उससे बात कर रहा है। उसका फ़ोन ड्रॉप होगा फिर आपका वो कॉल ले लेगा। आप कॉन्फ्रेंस वाली बात मत लगा देना यार, ठीक है। सिमिलरली कंप्यूटर्स में भी कुछ ऐसे टास्क होते हैं, जैसे मान लो आप एक कंप्यूटर पर बैठे हो, उसमें आपने अपने कंप्यूटर को मल्टीपल टास्क दिया परफॉर्म करने के लिए। जैसे आपने उससे बोला कि गूगल क्रोम ओपन करो, ये एक टास्क मान लो। फिर आपने उसी टाइम थोड़े समय के बाद आपने उससे बोला कि एक किसी एक मूवी को प्ले करो, ये दूसरा टास्क हो गया, है ना। सिमिलरली आपने दो तीन और टास्क दे दिया, तो अब सीपीयू जो है वो उसी टास्क को पहले परफॉर्म करेगा जिस जो टास्क पहले आया था, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगा, हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि सीपीयू शेड्यूलिंग भी बहुत तरह के होते हैं। उनमें से एक तरीका ये भी है, जो टास्क पहले आया है उस टास्क को हम पहले सॉल्व करें। जैसे प्रिंटर, एक ही प्रिंटर अगर आपके पास है और आपके कंप्यूटर से मल्टीपल प्रिंटर की रिक्वेस्ट गई है, तो प्रिंटर वन बाय वन ही प्रिंट करेगा, जो पहले आया था रिक्वेस्ट उसको पहले प्रिंट करेगा, है ना। अब देखो ये तो हुआ कि टास्क शेड्यूलिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज अगर शेयर्ड है तो हम उस रिसोर्सेज में वन बाय वन ही यूज़ कर सकते हैं, जो पहले आया था रिक्वेस्ट उसको हमको पहले प्रोसेस करना है। सिमिलरली सीपीयू में इंटरप्ट्स भी होते हैं। इंटरप्ट्स का मतलब, एक अगर मैं आपको एक नॉर्मली समझाने की कोशिश करूँ, तो इंटरप्ट का मतलब मान लो आप कोई काम कर रहे हो नॉर्मल, उसी बीच में कोई इंटरप्शन हुआ, जैसे आप पढ़ाई करने बैठे हो जो कि आप लोग करते नहीं, इंटरप्शन आ गया कि किसी का कॉल आ गया, तो आप क्या करते हो उस समय थोड़े समय के लिए अपनी पढ़ाई के काम को रोक देते हो, फिर उस कॉल को रिसीव कर लेते हो, तो ये इंटरप्ट है। अब कंप्यूटर्स में भी ऐसा होता है कि मल्टीपल इंटरप्ट्स आ सकते हैं सीपीयू के पास। एक काम वो प्रोसेस कर रहा है, उस समय उसके पास मल्टीपल इंटरप्ट्स आ गए, तो उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए भी वो उसी ऑर्डर को एक फॉलो करेगा, जो इंटरप्ट पहले आया था उस इंटरप्ट को वो पहले सॉल्व करेगा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में आपको पता ही है, बता ही दिया मैंने, बस की क्यू है, कॉल सेंटर में आप फ़ोन लगाते हो वो एक क्यू है, सिनेमा हॉल में आप टिकट लेने जा रहे हो वो एक क्यू है, रिजर्वेशन ले रहे हो उसके लिए एक क्यू है, तो लगभग हर जगह आपको क्यू में लगना ही पड़ता है, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसका इम्प्लीमेंटेशन। हम एक क्यू को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको स्टैक याद होगा, स्टैक के केस में हम लोगों ने देखा था स्टैक यूजिंग एरेज और स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। क्यू के केस में भी ऐसा ही होगा। क्यू को हम एक एरे की मदद से बना सकते हैं, एक लिंक्ड लिस्ट की मदद से बना सकते हैं, और एक क्यू को हम स्टैक की मदद से भी बना सकते हैं। आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके सिलेबस में क्यू यूजिंग एरेज दिया हुआ है, क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट भी दिया हुआ है, लेकिन क्यू यूजिंग स्टैक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं आपको पहले एरेज के बारे में बता दूं, फिर लिंक्ड लिस्ट के बारे में आएगा, और मैं हल्का सा आपको स्टैक का भी बता दूंगा इंट्रोडक्शन की कहता है। अब एक एरे को इमेजिन करो, ये है आपके पास एक एरे, ठीक है। एरेज क्या होता है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे हमें एलिमेंट को स्टोर कराना होता है। ये आपका एरे कंप्लीट है। अब इस एरे को मुझे बिहेव करवाना है एज ए क्यू, तो मतलब मुझे यहाँ पे दो चीज़ें बनानी होंगी, एक फ्रंट बनाना पड़ेगा और एक रियर बनाना पड़ेगा। फ्रंट के साइड से अगर डिलीशन करना है तो फ्रंट के साइड से होगा, एडिशन करना है तो रियर के साइड से होगा, ठीक है। एक एरे आपने बना दिया, इसकी फ़िक्स साइज़ आपने दे दी है पहले से ही, मान लो 6 या 5 जो भी है इसका एक साइज़ आपने फिक्स कर रखा है। अब आप इसमें इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या, इंसर्शन करोगे तो कैसा होगा और डिलीशन करोगे तो कैसा होगा, ये हमें बेसिकली पढ़ना है। तो अगर आपने इस एम्प्टी एरे में, जिसको अब हम क्यू के जैसे बिहेव करवाएंगे, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो फ़िलहाल तो ये ब्लैंक है, यानी कि फ्रंट भी यहाँ पे होगा और रियर भी इसी पॉइंट पे होगा। क्यों, क्योंकि अभी ना तो कोई एलिमेंट आया है ना ही कोई एलिमेंट गया है, तो आप इंसर्ट और डिलीट करोगे किसको, ठीक है। अब मान लो एक एलिमेंट आपने इंसर्ट किया,
तो इंसर्ट करते हो तो क्या चेंज होता है, रियर की वैल्यू चेंज होता है, रियर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे और फ्रंट अभी भी रहेगा यहीं पे, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो गया, आपने एक नया वैल्यू फिर से इंसर्ट किया तो रियर की वैल्यू अब यहाँ आ जाएगी और यहाँ पे एक न्यू वैल्यू जो था वो इंसर्ट हो चुका है। एक फिर वैल्यू इंसर्ट किया तो रियर अपडेट होकर के यहाँ आ जाएगा और ये आप इंसर्ट कर लोगे। सिमिलरली ये सारे वैल्यू फिल हो जाएंगे, फ्रंट अभी भी इसी जगह पे है और रियर की वैल्यू अपडेट होते होते यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। अब अगर मान लो आपने डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो डिलीशन ऑपरेशन में रियर पे तो कोई असर पड़ता नहीं है, फ्रंट पे असर पड़ता है। चलो मैं एक सेकंड करता हूँ, पहले इंसर्शन बता देता हूँ क्योंकि डिलीशन में मुझे कुछ और भी समझाना है आपको, ठीक है। अब आप इसकी थ्योरी अगर देखोगे, यहाँ पे थ्योरी वाइज अगर बात करोगे तो हम लोग फ्रंट साइड को कभी कभी हेड भी बोलते हैं। आप कुछ बुक रीड करोगे तो उसमें फ्रंट को हेड भी बोला जाता है, सिमिलरली टेल बोला जाता है रियर साइड को। तो चाहे मैं हेड बोलूं या टेल बोलूं, आपको फ्रंट और रियर ही समझना हो, कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए आप सिर्फ फ्रंट और रियर को ही यूज़ करो, ठीक है। वैसे हेड और टेल भी उसके दूसरे अल्टरनेट नाम होते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, आपके पास एक एरे है, एरे की मदद से हम इंसर्शन डिलीशन परफॉर्म करेंगे। तो एरे का एक इंडेक्स नंबर होगा, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। जब उसमें कोई सा भी एलिमेंट नहीं है उस केस में क्या होगा, फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू 0 0 पे मान लेते हैं है। एक्चुअल जब प्रोग्रामिंग होगी तो हमें -1 रखना होगा। खैर फ्रंट और रियर 0 0 पे है, यानी कि यहाँ पे है, यानी हम अभी सबसे पहले एलिमेंट को कहाँ इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अब मान लो एक न्यू वैल्यू आई 27, ठीक है। तो रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियर मतलब क्या, वो वाला साइड जिस साइड पे नया वैल्यू इंसर्ट होगा। तो ये वाले वैल्यू पे तो इस लोकेशन पे तो इंसर्शन हो ही चुका है, अब नया वैल्यू अगर इंसर्ट होना होगा तो कहाँ होगा, यहाँ पे। इसलिए रियर की वैल्यू अपडेट हो गई 1 पे, लेकिन फ्रंट की वैल्यू अभी भी 0 ही है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला वो एलिमेंट डिलीट होगा पहले जो सबसे पहले आया था। तो सबसे पहले कौन सा आया, 27, तो 27 अभी जिस जगह पे है उसी जगह पे फ्रंट रहना चाहिए ना, तभी तो डिलीशन अगर मान लो करना हुआ तो वहाँ से डिलीट होगा। तो फ्रंट की वैल्यू 0 रह गई और रियर की वैल्यू अपडेट हो गई। वैसे भी हमें मालूम है इंसर्शन में रियर अपडेट होगा, डिलीशन में फ्रंट अपडेट होगा। नेक्स्ट जो है फिर से एक नई वैल्यू आई, मान लो 30, तो 30 हमने इंसर्ट कर दिया, रियर की वैल्यू अपडेट होके 2 हो गई, फ्रंट अभी भी 0 ही है। यानी हम देख पा रहे हैं इंसर्शन होने के कारण हमें रियर को तो अपडेट करना है, फ्रंट अभी भी सेम ही रहेगा क्योंकि अभी हमने डिलीशन किया नहीं। अब आ जाओ डिलीशन पे, जो कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बात समझना है, ये आपसे मैं पूछूंगा अभी। अब मान लो मुझे इसी दो एलिमेंट से ही मानते हैं मुझे एक डिलीट करना हो, या यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले लो, ये आपने एक क्यू बना रखा है, ठीक है, आपको एक एलिमेंट को डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करोगे। मान लो आपको इस डिलीट करोगे तो फ्रंट साइड से ही डिलीट होगा, ये 27 डिलीट करना है, इस 27 को डिलीट करना है। तो देखो मैं पिछली बार जब पढ़ाया था तो एक बच्चे ने मुझसे ऐसा कहा कि सर आप ऐसा कर सकते हो, मैं पहले डायग्राम बना लूं, कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, सर आपको 27 डिलीट करना था, आप 27 डिलीट कर दीजिए, बाकी के सारे एलिमेंट वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे 19 रह जाएगा, यहाँ पे 17 रह जाएगा, यहाँ 7 रह जाएगा और यहाँ पे 6 रह जाएगा, ठीक है। रियर अभी यहाँ पे है, फ्रंट आपका यहाँ पे था 27, जिसके वजह से ये 27 डिलीट हो गया, यानी फ्रंट की वैल्यू अब अपडेट हो गई होगी, फ्रंट अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका जो मुझे एक बच्चे ने बताया वो ये कि सर आप इस फ्रंट को मूव मत कराओ, आप ऐसा कर लो,
जब आपने ये 27 डिलीट किया तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस बच गई होगी, है ना। इस 19, 17, 7 और 6 इन सभी को एक एक पोजीशन लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर दो। मतलब ये वाली पोजीशन जो है वो आपकी डिलीट हो चुकी है, तो 27 यहाँ पे है नहीं, फ्रंट को यहीं रहने दो। इस वाले केस में हमने फ्रंट को यहाँ से बढ़ा के यहाँ कर दिया था। दूसरे केस में मैं ये बोल रहा हूँ फ्रंट को यहीं रहने दो। इस 27 को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, इस 19 को यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा, इस 2 को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा, इस 3 वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा और 4 वाले इंडेक्स नंबर पे एलिमेंट को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। अब मुझे ये बताओ पहला तरीका सही है या दूसरा तरीका सही है, कॉम्प्लेक्सिटी वाइज भी अगर देख लेना आप लोग। इसका आंसर है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड से अगर आप लोग चलोगे तो करना क्या हुआ, डिलीशन तो आप तब भी कर रहे हो और फालतू का आपको ये मूवमेंट का स्टेप एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ गया, ठीक है। तो हम डिलीशन के लिए जो अप्रोच यूज़ करेंगे वो ये वाला अप्रोच यूज़ करेंगे। उसमें हमें करना क्या है, आप सिंपली फ्रंट की वैल्यू को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले आओ। अब आप अगर प्रिंट करोगे अपने क्यू को तो ये वाला तो वैसे भी डिलीट हो चुका है। क्यू की साइज़ कहाँ से कहाँ तक रहेगी, रियर से लेके फ्रंट तक ही तो रहती है। रियर वो साइड जहाँ पर इंसर्शन हुआ था, फ्रंट वो साइड जहाँ से डिलीशन हुआ था, तो इतना ही बड़ा तो क्यू है। पहले क्यू का लेंथ इतना था 5 एलिमेंट का, अब क्यू का लेंथ इतना है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ लेंथ इतना था पहले, क्योंकि लेंथ हम कैसे डिसाइड करते हैं, रियर से लेके फ्रंट तक का। सिमिलरली अब फ्रंट को जैसे ही मैंने अपडेट किया तो अब मेरा रियर से लेके फ्रंट तक इतना ही है, तो मेरा क्यू बस इतना ही है ना। तो इसमें मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे शिफ्टिंग करने की दिक्कत नहीं आई। आया समझ में? अब हम लोग आगे देखते हैं। यस सर, ये वही डायग्राम से मैंने बताया था। सेकंड अप्रोच में क्या है, ये वाला सिर्फ रिमूव हो गया है तो फ्रंट को अपडेट कर दिया। इस वाले मेथड में क्या किया था, हम लोगों ने शिफ्टिंग किया था। खैर, तो हम लोग सेकंड मेथड को अप्रोच यूज़ करेंगे। आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे अभी ये समझाने के लिए मैंने 1, 2, 3, 4 ले लिया है डायग्राम में ताकि सिंपलिसिटी रहे। वैसे एक्चुअल में ये 0 होगा, है ना, ये तो आप सब पहले से जानते हो। मान लो आपके 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, तो इस केस में फ्रंट जो है वो 1 है, रियर क्या है इस समय 4 है। आपने एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया, ठीक है, तो फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी 2। रियर में कोई चेंज आएगा नहीं, रियर पहले भी 4 था, रियर अभी भी 4 है। डिलीशन में सिर्फ फ्रंट में चेंज आएगा। सिमिलरली आपने एक नया एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया तो आप देखो फ्रंट में कोई चेंज नहीं आएगा, रियर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 4 की जगह 5 हो जाएगी और यहाँ एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट आपने डिलीट किया है तो रियर में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और यहाँ से बी जो था वो डिलीट हो गया, ठीक है। आप इसी तरह से और आगे भी कर सकते हो। आपको बस इतना याद रखना है कि डिलीशन में फ्रंट अपडेट होगा, इंसर्शन में रियर अपडेट होगा। आ रहा है समझ में? अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर हम लोग करें तो एक एलिमेंट को ऐड करना है रियर साइड पे, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड करना है तो बिग ओ ऑफ 1। सिमिलरली अगर मुझे एक ही एलिमेंट को डिलीट करना है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ ऑफ 1। एक ही एलिमेंट है तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कॉन्स्टेंट होगी। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा सर्कुलर क्यू। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको मैं थोड़ा इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास एक क्यू बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। इसकी नीड क्यों है पहले ये जान लें। डायग्राम थोड़ा अजीब सा बनेगा तो एडजस्ट कर लेना। अब देखो हम लोग एरेज की मदद से बना रहे हैं ना क्यू अभी, तो एरेज़ की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या होती है, उसका साइज़ जो होता है वो फिक्स्ड होता है। मान लो हमने इस एरे की साइज़ यहाँ पे फिक्स्ड कर ली, ये हमारा एरे है और इसी को हम क्यू के जैसे बिहेव करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो हमने ए इंसर्ट किया, अल्फ़ाबेट इंसर्ट कर रहे हैं, हमने ए इंसर्ट किया वो यहाँ आ जाएगा, ठीक। फिर हमने सेकंड नंबर पे बी इंसर्ट किया वो यहाँ आ जाएगा, फिर सी डी ई एफ,
ये सब हमने इंसर्ट किया, मैं बना देता हूँ, ए बी सी डी, माउस इफेक्ट क्यों रहा है, ई और एफ, ठीक है। तो फ्रंट अभी कहाँ होगा, यहाँ पे, और रियर अभी कहाँ होगा, यहाँ पे। और एक और बात, आपने अपने एरे की मैक्सिमम लिमिट जो है वो क्रॉस कर ली है ना, आप अपने एरे की मैक्सिमम साइज़ पर पहुँच चुके हो। अब आप देखोगे, अगर मान लो आपसे पूछा जाए इस समय कि रियर की वैल्यू क्या है, तो यह है इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो रियर की इंडेक्स नंबर है 5 और फ्रंट का इंडेक्स नंबर क्या है अभी, 0। अब देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब मान लो आप डिलीशन करना स्टार्ट करते हो, तो डिलीशन करोगे तो क्या होगा, ये ए यहाँ से मिट जाएगा, फ्रंट जो है वो यहाँ आ जाएगा, सही, ठीक है। आपने एक नया एलिमेंट और डिलीट कर दिया, मान लो फ्रंट तो फिर फाइनली यहाँ आ जाएगा। अब आप अगर एरे वाइज देखोगे, पहले इसमें नंबर देख लेते, फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई, 0, 1, 2, फ्रंट का इंडेक्स नंबर है 2 और रियर का इंडेक्स नंबर है 5। अब आप अगर एरे वाइज देखोगे तो उस एरे की टोटल साइज़ कितनी थी, 6 एलिमेंट को स्टोर करने की, और अभी उसमें कितने एलिमेंट हैं, अभी उसमें 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, यानी अभी भी हम चाहे तो 2 एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एरे की साइज़ तो 6 है। लेकिन अगर मैं उसमें इंसर्शन करने जाऊंगा तो रियर जो है वो अपने आखिरी इंडेक्स पे आ चुका है ऑलरेडी, तो नया एलिमेंट इधर तो ऐड नहीं होगा। ब्लैंक स्पेस होते हुए भी इस दोनों जगह पे मैं एक नए एलिमेंट को ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपका एरे फुल हो चुका था, आप अपने रियर को अपने एरे के मैक्सिमम इंडेक्स पे ले जा चुके हो। बीच में कभी कोई डिलीशन ऑपरेशन हुआ, उसके कारण से कुछ ब्लैंक स्पेस बन सकती है, जो कि मैंने सर्कल में ए और बी लिखा है, तो फ्रंट की वैल्यू अपडेट हो गई होगी, यानी कि अभी आप एरे वाइज देखोगे तो आपके एरे में कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं, जैसे इस डायग्राम में 0 नंबर इंडेक्स और 1 नंबर इंडेक्स पे, ठीक है। लेकिन उस एम्प्टी स्पेस होने के बावजूद आप एक नए एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि रियर जो है वो मैक्सिमम इंडेक्स तक जा चुका है। इससे डिफ़िकल्टी क्या हुई, आपके पास स्पेस होते हुए भी आप एक नए एलिमेंट को ऐड नहीं कर पाए। अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिसके वजह से वो क्या हो, रियर जब फाइनली अपने मैक्सिमम इंडेक्स पे पहुंच चुका हो, उसके बाद भी अगर मुझे इंसर्शन करना है, तो मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूं इस साइड, यानी अब नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो यहाँ पे आके इंसर्ट हो। अगर मैं कुछ ऐसा करने में कामयाब हो जाता हूँ तो इसी को कहते हैं सर्कुलर क्यू, यानी कि इंडेक्स नंबर 5 के बाद नया एलिमेंट जो है वो इंडेक्स नंबर 0 पे इंसर्ट होगा, अगर 0 नंबर वाला फ्री है तो। तो हमारी जो अभी प्रॉब्लम आ रही थी कि 6 एलिमेंट होने मैक्सिमम रखने के बावजूद भी हम अभी 4 ही के वो रख पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही हमारे लास्ट इंडेक्स नंबर पे हम पहुंचेंगे, तो एक कंडीशन चेक होगा कि क्या इंडेक्स नंबर 0 फ्री है या नहीं, और अगर इंडेक्स नंबर 0 फ्री होगा तो न्यू एलिमेंट जो इंसर्ट होगा वो हम 0 पे ही इंसर्ट करेंगे। तो ये एक तरह से सर्कल शेप में बन गया, जहाँ पे इंसर्शन किया हमने, यहाँ नया एलिमेंट यहाँ इंसर्ट किया, फिर हमने यहाँ इंसर्ट किया, इंसर्ट किया, इंसर्ट किया, ये भी इंसर्ट किया, यहाँ पे भी एक एलिमेंट इंसर्ट किया है, और अब फिर डिलीशन के बाद ये वाला एलिमेंट जो है डिलीट हो चुका था, ये वाला भी डिलीट हो चुका है। तो
इंसर्शन जो है अब कहाँ होगा, फिर से दोबारा अब यहाँ पे होगा इंसर्शन, अब दोबारा यहाँ पे इंसर्शन होगा, ठीक है। तो इस केस में हम अपने मैक्सिमम साइज को यूज कर पाएंगे, आ रहे समझ में? तो ये कंसेप्ट है सर्कुलर क्यू का। अभी जो हम लोगों ने इससे पहले जो देखा था वो नॉर्मल क्यू था, और अभी जो देख रहे हैं वो है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में और नॉर्मल क्यू में डिफरेंस क्या होता है? सर्कुलर क्यू में मैक्सिमम साइज़ के बाद हम फिर से स्टार्टिंग से इंसर्शन करते हैं। उसको समझने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हो। स्टार्टिंग में हमारे पास जो एरे था वो एम्प्टी था, तो फ्रंट और रियर दोनों जीरो जीरो पे है, ठीक है। मैंने सिंपलिसिटी के लिए इसको 1 2 3 4 5 नाम दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तीन एलिमेंट को इंसर्ट किया, ए बी और सी, ऑर्डर वही है ए बी और सी। तो अभी फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी, क्योंकि पहले वो जीरो पे था, पहले फ्रंट जीरो पे था, अब हमारे पास जो सबसे पहला एलिमेंट डिलीशन वाला है वो वन नंबर पे है, तो फ्रंट यहाँ आ जाएगा और रियर यहाँ आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब आपने मान लो ए नंबर को डिलीट कर दिया, तो फ्रंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, फ्रंट की वैल्यू यहाँ आ जाएगी टू नंबर पे, और रियर की वैल्यू तो अभी भी एज इट इज़ ही है। सिमिलरली आपने डी और ई नई वैल्यू इंसर्ट की मान लो, तो पुराना डायग्राम जो था ये वाला था। अब आप डी और ई इंसर्ट करोगे तो कहाँ जाएगा? डी यहाँ आएगा और ई यहाँ पे आएगा, वही यहाँ पे मैंने बनाया है। फ्रंट में कोई चेंज नहीं, रियर की वैल्यू अपडेट होगी। अब मान लो आपने बी और सी डिलीट किया है, तो ये दोनों एम्प्टी स्पेस है, तो फ्रंट की वैल्यू अपडेट होगी, रियर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। रियर अभी भी 5 है, फ्रंट रियर यहाँ पे भी 5 रहेगा, फ्रंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपने मान लो F को इंसर्ट किया है, यहाँ पे दिक्कत आई। इस E के इंसर्शन के बाद नॉर्मल Q होता तो यहाँ पे F आना चाहिए था, लेकिन यहाँ F आता तो हम अपने मैक्सिमम साइज को क्रॉस कर जाते, तो हम यहाँ पे तो F नहीं डाल सकते। अगर ये सर्कुलर Q है, यानी कि इसके बाद हम कहाँ इंसर्ट कर पाएंगे? यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे। इसी कारण से आप देख सकते हो जो नेक्स्ट डायग्राम है, उस डायग्राम में जब हमने F को इंसर्ट किया तो वो इंडेक्स नंबर 5 के बाद यहाँ पे आ गया है, तो रियर की वैल्यू फिर अपडेट हो गई। आप देखो पुराने वैल्यू में रियर की वैल्यू थी 5, और अभी वाले में रियर की वैल्यू हो गई है वापस से 1, ये 5 से चेंज होकर के 1 हो गया। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये सर्कुलर क्यू है, ठीक है। फिर आप वैसे ही आगे कर सकते हो, डिलीट करोगे डी तो ये डी डिलीट हो जाएगा, वो यहाँ पहुँच जाएंगे, फ्रंट की वैल्यू अपडेट होगी। आगे देखते हैं। अब मान लो एक और वैल्यू को आपने इंसर्ट किया, जी और एच, तो जी और एच वापस यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, है ना। फिर आपने ई डिलीट किया तो ई यहाँ से ही डिलीट हो जाएगा, और वापस से फ्रंट की वैल्यू अपडेट होकर के कहाँ आ जाएगी? इस एफ के पास, क्योंकि इस ई के बाद एलिमेंट कौन सा आया था? एफ आया था, तो एफ के पास हमें फ्रंट को लेके आना होगा, उसकी वैल्यू है 1। सिमिलरली आप इसी को और आगे भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? फ्रंट और रियर की वैल्यू हमें अगर वापस से स्टार्टिंग इंडेक्स पे लेके जा सकते हैं तो वो सर्कुलर क्यू बन जाता है। अगली क्लास में आप लोग ये करके रखना कि हमें एक इंसर्शन ऑपरेशन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए हमें एल्गोरिदम लिखना है। और ये इंसर्शन डिलीशन अभी फ़िलहाल हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? क्यू एज ए एरे, ठीक है। एरे की मदद से हमें क्यू बनाना है, और इंसर्शन जब करोगे आप तो उस केस में आपको नॉर्मल क्यू के बारे में और फ्रंट सर्कुलर क्यू के बारे में, इन दोनों का कंसेप्ट देखना होगा। यानी अभी आप लोग बुक से रेफ़र करोगे इंसर्शन का एल्गोरिदम, और उस इंसर्शन के एल्गोरिदम में नॉर्मल क्यू भी इंसर्शन होगा, साथ ही साथ सर्कुलर क्यू का भी इंसर्शन होगा। सिमिलरली आपको डिलीशन भी करना, और ये सब कुछ करना है क्यू एज ए एरे की मदद से। फिर हम लोग इसका लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, फिर स्टैक पढ़ेंगे। आज जो पढ़ा है उसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है?